वेलकम बैक स्टूडेंट्स. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. किसी पॉइंट से किस सर्कल के ऊपर कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं. सो चेक करते हैं. इफ वी आर टेकिंग अ पॉइंट, दिस इज अ सर्कल. अगर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं इनसाइड द सर्कल, देखिए यही कही गई है कि किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं. इफ यू आर टेकिंग अ पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल, देन इस पॉइंट से जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे ये सारे क्या होंगे, सीकेंट. क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे टच करते हैं, तो इस केस में कोई भी टेंजेंट नहीं होगा. नो टेंजेंट इज पॉसिबल. नेक्स्ट, इफ यू आर टेकिंग अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मान लीजिए यहां पे लेते हैं, देन देयर इज ओनली वन टेंजेंट. सिर्फ एक टेंजेंट होगा जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि जो पॉइंट है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ओनली वन टेंजेंट is possible. Now, if we are taking a circle and with center O and the point is just outside the circle, circle के external area में कहीं पे भी अगर हम कोई point लेते हैं तो यहां से देखिए, इससे एक ऐसी लाइन जो कि इसको थ्रू पास हो और सर्कल को टच करे, देन इन दिस केस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहां पे है ना, तो इस केस में जब आपका पॉइंट जो है आउटसाइड द सर्कल रहेगा उस केस में क्या है, हियर पीटी वन एंड टी टू दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, then two tangents can be drawn from a point, from a external point. तो ये तो था कि हाउ टू चेक दैट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन. यहां से हमें ये तो पता लगे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट आ सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल. बट नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, दैट इज हियर आर टू टेंजेंट्स पी टी वन एंड पी टी टू, वेदर दे आर इक्वल नॉट इक्वल या क्या है, ग्रेटर होता है छोटा बड़ा किस तरह से होता है, तो हमें ये चेक करना है इज PT1 is equal to PT2 or not? क्या ये इक्वल है या नहीं है. सो इसके लिए एक थ्योरम है जो कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल. ये स्टेटमेंट है, हमें इसे प्रूव करना है. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहा गया है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, जब इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं देन द टेंजेंट्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज दिस. हमें ये प्रूव करना है कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता. सो लेट अस चेक. स्टेटमेंट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
drawn from external point P to the circle are equal. That is, कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें given क्या दिया हुआ है? A circle with center O and PT1 and PT2 are two tangents from external point P we have to prove kya hai? That PT1 is equal to PT2, that is these two tangents are equal. तो कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए सबसे पहले ज्वाइन करते हैं दिस इन्हें ज्वाइन कर दिया ज्वाइन द लाइन OP, OT1 एंड OT2. अब हमने इसे ज्वाइन कर लिया. नाउ वी नो दैट व्हाट इज द प्रूफ इज वी नो दैट दिस एंगल O T1 P and also angle O T2 P. ये जो ना दोनों angles हैं ये कितने होंगे? These angles are of 90 degree. ऐसा क्यों? Because this is the angle between radii or radius and tangent. अभी हमने theorem की थी that this angle, between radius and tangent at point P, at point of contact is always of 90 degree. ये जो है हमेशा 90 degree का होना चाहिए. तो हमें क्या proof करना है? That this PT1 is equal to PT2. So how so? Let us take in triangle, this triangle O T1P और ये क्या है O T2P and O T2P. दोनों में देखिए these sides O T1 and O T2 both are equal. क्यों? Radius of same circle. Also, this line OP is equals to OP, common side, so isse kya hua? What we have get? That these triangles OT1P is congruent to triangle OT2P. यहां से हमने इसे congruent proof कर दिया. If these two triangles are congruent, then that is therefore PT1 is equal to PT2. ऐसा क्यों? Congruent part of corresponding part of congruent triangle. यानी कि by CPCT हम इसे बोल सकते that PT1 sorry that is PT1 is always equals to PT2. इन्हीं ट्रायंगल्स की क्या थे ये? कॉन्ग्रेंट पार्ट. सो हमने यहां से इसे प्रूफ कर दिया कि हमेशा ये जो दो पॉइंट्स रहेंगे दो साइड्स रहेंगी दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे. सो लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. कहां पे इसका यूज होगा?
एंड बिफोर डेट यहाँ पे उसको करने से पहले दो प्रॉपर्टीज और हमें यहाँ पे करनी है. ये तो अभी हमने प्रूफ किया था बाय द कॉन्ग्रेंस पार्ट. अगर हमें इसी थ्योरम को किसी और तरीके से प्रूफ करना हो तो हम क्या कह सकते हैं, एज वी नो डेट दीज आर ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल है ना, तो क्या बन सकते हैं, यहां से एक ट्रेंगल है द अबव ट्रेंगल, इसे क्या कहेंगे ओ टी वन एंड पी. तो हमें यहां से क्या चाहिए था, हमें पी टी वन निकालना है ना, तो पी टी वन डेट इज बेस किसके इक्वल आएगा, ओपी स्क्वेयर पाइथागोरस. अगर हम इसे चेक करें बाय द पाइथागोरस थ्योरम, दिस ओपी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ टी वन स्क्वेयर प्लस टी टी वन स्क्वेयर. अगर ऐसा होता है तो यहां से पी टी वन स्क्वेयर की वैल्यू क्या आती है, ओपी स्क्वेयर माइनस ओ टी वन स्क्वेयर. एंड ऑल्सो अब हमें क्या चाहिए, देखिए दिस ओपी ओ टी वन किसके इक्वल है, दिस इक्वल्स टू ओ टी टू. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ओपी स्क्वेयर माइनस ओ टी टू, क्योंकि ओ टी वन और ओ टी टू क्या है, दोनों सेम है, सेम रेडियस ऑफ ए सर्कल. देन देखिए अगर हम नीचे वाली ट्रेंगल में देखें, ओपी स्क्वेयर माइनस ओ टी टू स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा, पी टी टू स्क्वेयर. अगर हम यहां से कहें देन क्या आएगा, बाय दिस पी टी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू पी टी टू स्क्वेयर ऑल्सो, या फिर देखो पी टी वन इज इक्वल टू पी टी टू. ये बात भी हम यहां से सेकेंड, मतलब जैसे अभी हमने कॉन्ग्रेंस प्रूफ करके किया, वैसे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हम यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं दैट लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. ऑल्सो यहां पे बात क्या है, दैट दिस लाइन ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. ये जो एंगल है आपका टी वन पी टी टू, इस एंगल को बाइसेक्ट कौन करता है, दिस लाइन ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी वन पी टी टू. ये दोनों भी क्या इक्वल है. अगेन दिस ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये भी हम यहां से प्रूफ कर सकते हैं बाय द सीपीसीटी. जो भी हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ की थी दोनों ट्रेंगल्स, तो उन्हीं के बेसिस पे हम इसे बोल सकते हैं दैट दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो ये तो था अभी तक आपकी प्रॉपर्टीज और कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ टेक अ क्वेश्चन. The question is, circle है with center O, tangents are drawn from point T which meet it at point P and Q. P and Q are the point of contact. Then also क्या given है, this side OP यानी कि radius दिया गया है 5 सेंटीमीटर and the distance between these two point of contact, जो point of contact इनके बीच का distance कितना दिया गया 8
centimeter. What we have to find? We have to find the length of tangent. ये जो आपका TP है, इस length of tangent को find out करना है. देखिए same यहाँ से diagram से ही हमें figure से show हो रहा है कि this is also related to the last theorem जो हमने की है अभी. कि यहाँ से अगर इसका हमें पता लग जाए measurement तो इसकी अपने आप पता लग जाएगी. Because both of the length of tangents are always equal. तो देखिए कैसे करेंगे इसे. First इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जॉइन सम, इसे जॉइन कर लीजिए, जॉइन ओटी, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज आर. अब देखिए अगर ओटी इज, हमने क्या अभी लास्ट क्या पढ़ा था, दैट दिस ओटी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पीटी क्यू. ओटी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू. इसका क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है. इफ दिस इज एंगल बाइसेक्टर देन इट मीट एट दिस पॉइंट आर. और अगर इस पॉइंट में मीट करता है तो एंगल बाइसेक्टर कहां पे होगा, ये दिस इज ऑफ 90 डिग्री. देयरफॉर दिस टी आर इज परपेंडिकुलर टू ओ पी क्यू. तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ. ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री. एंड ऑल्सो ट्रेंगल टी पी क्यू, ये जो ट्रेंगल है बड़े वाली टी पी क्यू इज एन आइसोसेलिस ट्रेंगल. आई होप यहां पे आपको समझ में आया होगा कि आइसोसेलिस ट्रेंगल कैसे है ये. क्यों, क्योंकि जो दोनों लेंथ है टेंजेंट्स की, दिस बोथ लेंथ आर इक्वल. That is both the tangents are equal. और जब किसी triangle के अंदर इसकी दो opposite side equal होती है तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, that this is an isosceles triangle. और अगर ये एक isosceles triangle है तो इसके ये वाले angle भी क्या होंगे, equal होंगे. Angle opposite to the sides are also equal. Now इसे डिवाइड कर दी गया है इसके थ्रू जो ये लाइन थी, यहां से हम इसे बोल सकते हैं दिस डिवाइड्स, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसे डिवाइड कर रहा है. तो दिस लाइन पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, बोथ आर ऑफ 4 सेंटीमीटर. आधा आधा कर दिया बिकॉज पी क्यू क्या था, 8 सेंटीमीटर, ये आया 4 सेंटीमीटर. नाउ इन ट्रेंगल, देखिए ये जो ट्रेंगल है पी आर ओ, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है. तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इज अ राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्रेंगल है पी आर ओ. इन ट्रेंगल पी आर ओ विच इज अ राइट एंगल ट्रेंगल, तो ये क्या हुआ, पी आर स्क्वेयर प्लस आर ओ स्क्वेयर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वेयर. हाउ सो, बाय द पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम से हम यहां से इस ओ आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, या आर ओ, आर ओ स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी, पी ओ स्क्वेयर माइनस पी आर स्क्वेयर. पी ओ इज ऑफ 5 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9. देन देयरफॉर आर ओ अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 सेंटीमीटर. अब यहां से देखिए दिस आर ओ इज ऑफ 3 सेंटीमीटर. अगर ये आर ओ 3 सेंटीमीटर का है तो कैसे निकालेंगे आगे हम. एंड ऑल्सो दिस एंगल टी पी आर एंड आर पी ओ, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. क्यों, बिकॉज दिस इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट. तो ये एंगल कितना हुआ, ऑल्सो एंगल टी पी आर
plus angle RPO is equal to 90 degree and this angle TTR और ये जो एंगल TPR है इस ट्रायंगल के अंदर अगर बाकी सब यहां पे मिटा दिया जाए इस ट्रायंगल के अंदर इस एंगल का और ये जो आपका एंगल है TPR इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ये एंगल 90 डिग्री का तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 90 डिग्री ओवरऑल सम कितना होना चाहिए 180 दिस इज आल्सो इक्वल्स टू TPR प्लस एंगल PTR ये कहा हमने बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए आपके ज्योमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है कि आप वहां पे हर पॉइंट का डेफिनेट अपना रीजन दे सकेंगे किस रीजन से हमने इसे प्रूफ किया है दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी और ये कैसे है बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री और राइट एंगल ट्रायंगल अब देखिए दोनों तरफ क्या है TPR तो हम इजीली बोल सकते हैं दिस एंगल RPO एंगल RPO इज इक्वल्स टू एंगल PTR दिस इज योर इक्वेशन वन ये जो है दिस सॉरी PTR ये वाला एंगल किसके इक्वल है RPO इसके सो इफ यू आर टेकिंग दीज टू ट्रायंगल्स ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल PRO ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल RPO एक तो हमने ये एंगल प्रूफ कर दिया इनके बीच में इक्वल ऑल्सो दिस एंगल बोथ एंगल आर ऑफ 90 डिग्री तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं दैट दीज टू बोथ आर द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रेंट है देखिए ये वाली जो ट्रायंगल है दिस ट्रायंगल TPR एंड द ट्रायंगल RPO अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसकी जो पार्ट्स हैं दैट इज जो हमने थ्योरम की हुई है इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज होती हैं साइड की रेशियो वो हमेशा क्या होती है प्रोपोर्शनल होते हैं इक्वल प्रोपोर्शन देन दिस टीपी ओवर पीओ हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज से मैच किया एंड आरपी ओवर आर ओ कैसे कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं दीज साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन टीपी की हमें लेंथ निकालनी है व्हाट अबाउट द पीओ पीओ कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर आरपी इज ऑफ 4 सेंटीमीटर ये हाफ किया था हमने यहां पे दिस इज ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड आरओ ये कितना निकाला था अभी हमने आरओ इज ऑफ 3 सेंटीमीटर टीपी की वैल्यू क्या है यहां से 20/3 सेंटीमीटर तो इस तरह से हमने यहां पे देखे सारी की अपनी जितनी भी थ्योरम्स किए उन सबका यूज कर लिया यहां पे दैट ये दोनों लेंथ क्या है इक्वल होती है दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंगल बाइसेक्टर इन और पाइथागोरस थ्योरम इन सबका यूज करके हमने यहां से और साथ में द सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज थी उन सबका यूज करके हमने यहां से क्या निकाला द लेंथ ऑफ टेंजेंट तो इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर सो थैंक यू फॉर दिस सेशन